सो वेलकम बैक स्टूडेंट। नाउ दिस इज अवर विजय हेयर और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है ई पाठशाला सेक के चैनल पे। आपको सभी को बताया कि हम करंट अफेयर के अंदर बच्चों के लिए एक नए टॉपिक्स लेके आते रहते हैं, तो आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी ने किसान आंदोलन, इतने लंबे समय से किसान आंदोलन चल रहा है, लगभग एक साल से ऊपर होने वाला है और एक साल से ऊपर होने वाला है, सरकार ने, नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट ने फाइनली डिसाइड करा है कि क्यों ना क्या कहते हैं किसानों को थोड़ी सी एक राहत दी जाए और आप कहूँ तो मैं एक तरीके का छोटा सा लॉलीपॉप दिया जाए। तो यहां पे किसी भी पार्टी के पक्ष या किसी भी पार्टी के विरुद्ध में मेरा ही पाठशाला चैनल, हमारा ही पाठशाला चैनल नहीं है। तो आप वीडियो को बिल्कुल क्लियर कट समझने की कोशिश करिएगा। करंट अफेयर में एक नया टॉपिक आया है और क्योंकि किसान मूवमेंट इतना ज़्यादा लंबा चलता जा रहा है, दैट इज़ वाई किसान मूवमेंट को एक, मैं कह सकता हूँ, थोड़ी राहत की सांस देने के लिए मोदी गवर्नमेंट ने हाल ही में ये फैसला लिया है। अब क्या है वो समझने की कोशिश हम लोग करते हैं। सो इन दिस क्लास आई एम टेलिंग यू अबाउट द ट्रूथ बिहाइंड द बिल। तो आप सभी देखेंगे, सबसे पहले तो आप सभी लोग, जितने भी लोग हैं, सभी को MSP के बारे में पता होगा। MSP होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस का मतलब ये होता है कि हर साल हर सीजन में नई फसलें लगाई जाती है, जो भी फसलें लगाई जाएगी सरकार उसमें एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय कर लेता है। पर कुंटल के हिसाब से सरकार कहता है कि इस फसल के ऊपर सरकार आपसे इतने रुपए में ये फसल खरीद लेगी। आप चाहे तो सरकार को बेच सकते हैं और अगर आपको इस मिनिमम सपोर्ट प्राइस से कहीं ज़्यादा पैसा किसी दूसरी जगह पर मिल रहा है तो आप वहाँ पर बेच सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं अगर आपको बताऊँ, आप अपने खेती के अंदर गन्ना लगाते हैं, ओके, आपने अपने गन्ना लगाया, सरकार ने ये कहा कि 2022 के स्टैटिक्स या 21 के स्टैटिक्स के अनुसार, ये मैं एक रैंडम ही आंकड़ा बता रहा हूँ, फिक्स नहीं है, बस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। गन्ने का उन्होंने कहा कि गन्ने का मिनिमम सपोर्ट प्राइस होगा 2000 रुपये, ओके, ठीक है, 2000 रुपये। सरकार ने कहा आप किसी को गन्ना बेचना चाहते हैं तो आप बेच दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस सरकार आपको गन्ने का 2000 रुपये पर कुंटल के हिसाब से दे रही है। तो आप सरकार को बेचना चाहते हैं सरकार को बेच दीजिए, प्राइवेट किसी कंपनी को बेचना चाहते हैं तो प्राइवेट किसी कंपनी को बेच दीजिए, अगर आपको इससे ज़्यादा मिलता है। तो ये हर साल तय होता है, हर सीजन में हर फसल के लिए तय किया जाता है, एंड दिस इज कॉल्ड द मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अब ये क्लास जो आपको करंट अफेयर की बताने की कोशिश करी जा रही है वो यही है कि किसानों को मिली MSP में राहत, यानी कि MSP यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस के अंदर किसानों को एक राहत मिली है और किसानों के लिए इतने लंबे समय के बाद जो किसान मूवमेंट चल रहा था उसमें एक आशा की किरण, या मैं कह सकता हूँ एक उम्मीद कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है किसानों के लिए। अब यहाँ पे जो उम्मीद दिखाई दे रही है किसानों को, वही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ MSP के बारे में। अब यहाँ पे हुआ क्या है, यहाँ पे ये हुआ है कि नरेंद्र सिंह तोमर, जिन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट के अंदर ट्वीट करते ये कहा है कि देश में किसानों की आय दुगनी करने के लिए मोदी सरकार प्रतिबद्ध है और मिनिमम सपोर्ट प्राइस कहीं ना कहीं उनको आर्थिक मसलों में मदद करेगी और मंत्रिमंडल से इस चीज़ की मंजूरी क्या कहते हैं आपके नरेंद्र सिंह तोमर ने ले ली है। अब असल में मिनिमम सपोर्ट प्राइस मैंने आपको बता दिया क्योंकि पूरे देश के अंदर अभी भी किसान आंदोलन चल रहा है और बुधवार को केंद्रीय सेंट्रल मिनिस्टर ने फैसला लिया है। सेंट्रल मिनिस्टर ने यह फैसला लिया है कि 6 जितनी भी रबी फसलें होंगी, 6 रबी फसलें, याद रखिएगा रबी फसलें, उन पे जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस होगा उसको बढ़ाया जाएगा। ओ माय गॉड, दिस इज द ग्रेटेस्ट क्या कहते हैं न्यूज़ फॉर द ऑल द फार्मर्स जो प्रोटेस्ट में हैं। अब प्रोटेस्ट में इतने लंबे समय से प्रोटेस्ट चल रहा है, अभी राजेश टिकैत का एक स्टेटमेंट आया था, इतनी लाखों की रैली में क्या कहते हैं यूपी के अंदर लोग इकट्ठा हो रहे हैं और उस रैली को पूरी तरीके से कंट्रोल करने के लिए सरकार के बस की नहीं है। अब यहाँ पे पता चल रहा है कि सरकार के ऊपर किसान मूवमेंट एक प्रेशर क्रिएट कर रहा है। अब किसान मूवमेंट एक प्रेशर क्रिएट कर रहा है तो फिर आप नोटिस करेंगे कि कहीं ना कहीं रबी फसलों के ऊपर सरकार ने राहत दी है किसानों को। अब ये राहत जो दी है ना, एक तरीके का अगर मैं बैकग्राउंड की बात करूँ तो राहत देने का मेन मकसद था जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस पहले जितना भी था उससे ज़्यादा मिनिमम सपोर्ट प्राइस को अगर बढ़ा दिया जाएगा तो इससे क्या होगा, इससे किसानों की आय में फायदा ही होगा। इसीलिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं वो कि किसानों की आय को दुगनी करने का फैसला करा, 106% कहने की कोशिश करी जा रही है कि 106% किसानों को आय में वृद्धि होगी। अब किस तरीके से होगी, सबसे पहले क्रॉपिंग पैटर्न को अगर हम इंडिया के अंदर समझने की कोशिश करें तो हमारे इंडिया के अंदर खरीफ, राबी और जायद फसलें उगाई जाती है। नॉर्दर्न पार्ट के अंदर यानी कि उत्तरी हिस्सों में ये फसलें उगाई जाती है और साउदर्न हिस्सा यानी कि दक्षिणी पार्ट के अंदर ये फसलें उगाई जाती है। खरीफ फसलें जून से सितंबर के महीने में उगाई जाती हैं, आप ये सारी फसलें देख सकते हैं जो नॉर्थ में उगाई जाती है और ये सारी फसलें साउथ में। ऐसे रबी के ऊपर बात हो रही है, रबी की 6 फसलों के ऊपर बात हो रही है और 6 फसलें आप देख सकते हैं नॉर्दर्न हिस्सों में ये उगाई जाती है, लेकिन ये 6 फसलें वीट, ग्राम, रैप सीड्स, उसके बाद मस्टर्ड और बार्ले, जरूरी नहीं है कि यही 6 फसलों के ऊपर बात हो रही है,
छह फसलों के ऊपर सरकार मोदी गवर्नमेंट ने बात करी है कि जो 2021 और 22 के अंदर जो भी फसलों का प्राइस था वो 2022 और 23 के अंदर मिनिमम सपोर्ट प्राइस को बढ़ाया जाएगा। मिनिमम सपोर्ट प्राइस को बढ़ाने का डायरेक्टली सरकार का मकसद ये है कि इतने टाइम से जो आंदोलन चल रहा है उस आंदोलन में कहीं ना कहीं किसानों के मन में एक चीज़ आ जाए कि यार मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ा देंगे तो मोदी गवर्नमेंट कहीं ना कहीं किसानों के लिए फायदा कर रही है। हालांकि मे बी शायद से मोदी गवर्नमेंट की स्ट्रैटेजी का एक हिस्सा हो सकता है या वो सही मायने में चाहती है कि किसानों की आय दुगनी हो। ये आपके ऊपर मैं छोड़ रहा हूँ, आप इसको किस तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में जो भी क्या कहते हैं कैबिनेट की बैठक हुई थी उस बैठक के अंदर ये निर्णय लिया गया है कि भाई जो केंद्रीय कृषि मंत्री है उन्होंने बताया है गेहूं चना जौ सरसों मैसूर और रेपसीड उसमें MSP बढ़ाया जाएगा। इन सभी फसलों के अंदर MSP बढ़ाया जाएगा, पहले जो भी था उससे ज़्यादा बढ़ाया जाएगा। अब मैं बता दूँ कि पहले क्या था, पहले मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। पहले ये था, अगर आप वीट का देख लीजिए, आप बार्ले का देख लीजिए, ग्राम का देख लीजिए, रेपसीड सनफ्लावर का, पहले MSP ये हुआ करता था अगर आप देखें, और हर किसी के ऊपर MSP अब बढ़ गया है। देख सकते हो पहले 1975 ये था तो ये 2015 हो गया, 1600 ये था तो 1635 हो गया, 5001 ये था तो 5230 ये हो गया, ये 5001 था तो 5500 हो गया, ये इतना था तो ये इतना हो गया, ये इतना था तो इतना हो गया। इस तरीके से MSP बढ़ाया जा रहा है, तो छोटे किसान हो, मध्यम वर्ग के किसान हो, बड़े किसान हो, सभी को इस बढ़े हुए दाम का फायदा होने वाला है। तो सरकार ये कहने की कोशिश कर रही है, कि किसानों की आय दुगनी इस तरीके से होगी। तो यहाँ पे कृषि मंत्री ने ये कहा कि किसानों को मोदी सरकार ने राहत दी है, मोदी सरकार ने एक निर्णय लिया है कि न्यूनतम सपोर्ट प्राइस पे क्या कहते हैं अब ये खरीद जारी रहेगी और बढ़ी हुई दर के हिसाब से किसानों को फायदा होगा और 106% तक किसानों को लाभ होगा। इस तरीके से किसानों को लाभ होगा, ये बिल आ चुका है, ये पूरी तरीके से अप्लाई हो गया। MSP बढ़ने का फायदा किसान को होगा या नहीं होगा ये आप समझ सकते हैं। इस पे जो किसान आंदोलन चल रहा है इस पे किस तरीके का प्रभाव पड़ेगा ये मोदी गवर्नमेंट ने अपना एक वाइल्ड कार्ड एंट्री वाला मैं कह सकता हूँ एक दाव खेला है और यहाँ पे वो देखने की कोशिश कर रही है कि इससे किसान आंदोलन में किस तरीके से प्रभाव पड़ेगा। तो किसान की आमदनी बढ़ेगी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि केंद्र सरकार खरीफ फसलों पर 50% तक MSP बढ़ा देगी, 50% तक MSP बढ़ा देगी, रबी फसलों पे तो बढ़ा ही दी है और पिछले 7 साल से किसानों के हित में हमारी गवर्नमेंट यानी कि मोदी गवर्नमेंट यानी कि नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि उनकी गवर्नमेंट ये फैसला ले रही है। अब यहाँ पे समस्या का समाधान करने के लिए इस पे चर्चा करने के लिए हर वक्त नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट तैयार रहती है। सरकार का जोर है कि किसानों की आमदनी को बढ़ाया जाए और ये आमदनी बढ़ाने के लिए सरकार ने इसी टाइम पीरियड पे ये बिल लाने की क्यों सोची है आप समझ सकते हैं। बिकॉज 2022 के अंदर अब इलेक्शन आने वाले हैं और इलेक्शन यूपी के अंदर आने वाले हैं तो यूपी के किसान जो पूरे देश को चलाते हैं 85% फार्मर्स वहीं से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पे पंजाब हरियाणा बिहार और यहाँ पे उत्तर प्रदेश, तो ये सरकार ने MSP बढ़ाने का फैसला किस लिए करा है तो उसके आपको बैकग्राउंड की हिस्ट्री समझनी होगी क्योंकि यहाँ पे इलेक्शन है तो सब कुछ करना पड़ेगा। तो 2018 के अंदर जो भी लागत लगती थी उसमें से 50% अगर जोड़ दिया जाए तो उतना ज़्यादा फायदा होगा। तो मोदी गवर्नमेंट ने आश्वासन दिया है कि मोदी का कहना है कि मैंने पहले भी कह चुका था कि एक बार फिर कहता हूं MSP की व्यवस्था जारी रहेगी, सारी खरीद जो है इसी सरकारी खरीद इसी हिस्से पे होगी और हमारे यहाँ अपने किसान की सेवा करने के लिए उनकी उनकी आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर जीवन सुनिश्चित करेगी मोदी गवर्नमेंट। अब यहाँ पर मोदी गवर्नमेंट को पता है कि जनता श्याणी हो चुकी है, तो यहाँ पे आपको प्रैक्टिकली समझना है कि सरकार इसी टाइम पे MSP लाने की कोशिश क्यों कर रही है। हालांकि काला कानून वापस लो एक साल से ज़्यादा हो चुके हैं कि लाखों किसान दिल्ली के बॉर्डर पे यही मांग कर रहे हैं केंद्रीय सरकार से कि कृषि विरोधी आंदोलन जो 3 कृषि विरोधी आंदोलन आ रहा है उसे वापस लीजिए और यहाँ पे MSP को रेगुलेट करिए, MSP को सरकारी कानूनी का दर्जा दीजिए। MSP बढ़ाया जा रहा है, घटाया जा रहा है, कम किया जा रहा है, इस पे सरकार पूरी तरीके से बाउंडिंग लगाना चाहिए सरकार को भी। और यहाँ पे एक चीज बढ़ा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा है, आपने बहुत अच्छा करा, किसानों को इससे राहत होगी, लेकिन किसान लोग अब इस पर कैसा एक्शन लेते हैं ये यहाँ तो आने वाले समय पे आपको और मेरे को पता चलेगा। लेकिन MSP बढ़ाने का फायदा यहाँ पे किसान की जेब पे होगा, किसान को फायदा होगा इससे और अब देखते हैं कि इससे किस तरीके से फायदा होना है। अब MSP को लेके बहुत सारी मिथ भी चल रही है, कुछ लोगों का मानना है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस बाद में जाके शायद से बंद कर दिया जाएगा,
क्योंकि अभी तो चलो मान लीजिए कि अभी काला कानून जो 3 बिल आने थे वो नहीं हुए हैं पास, और अगर पास हो भी गए तो अभी एक्ट में नहीं आए हैं। तो यहाँ पे अभी सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन की वजह से एमएसपी सरकार इंट्रोड्यूस कर रही है और लाने की कोशिश कर रही है। तो तोमर जी का कहना यही है कि लोगों को ये गलत सूचना दी जा रही है, अब वो कैसे है वो तो देखना पड़ेगा इन फ्यूचर में। और उसके बाद किसान ने बोला कि एमएसपी पे फसलें जो है वो खरीदी जाएगी और बढ़ी हुई दामों पर तो खरीदी जाएगी, लेकिन बाद में इन दामों को कम कर दिया जाएगा। तो ये एक मिथ चल रहा है, लेकिन एमएसपी का आने वाले किसानों को, यूपी के किसानों को, बिहार के किसानों को, पंजाब के किसानों को, हरियाणा के किसानों को फायदा होने वाला है। अब नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट इस एमएसपी से इलेक्शन लड़ेगी या जीतेगी वो तो आने वाला समय बताता है। तो ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा कि एमएसपी के बारे में क्या अवधारणाएं चल रही है और एमएसपी इतना ज़रूरी हमारे लिए क्यों हो सकता है। सो इतना ही इस क्लास में हम जानने की कोशिश करेंगे। वीडियो के अगले पार्ट में, वीडियो के करंट अफेयर में दोबारा मिलने की कोशिश करेंगे। अब देखने की ये कोशिश करेंगे कि एमएसपी से किसानों का फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है, या नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट इसके पीछे क्या चाल चल रही है, तो वो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी आप इतने समझदार हैं, चीज़ों को समझ सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। दिस इज एंड दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।